अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात हुई, जिसमें आपको एक ऐसी जगह इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं आज, जो कि एक मूवी में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और जिसकी हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी जिस मूवी में इंट्रोड्यूस हुई, उस मूवी का नाम है वन थॉन्ग। थाई मूवी है वन थॉन्ग, उसमें इंट्रोड्यूस हुई, जैसा कि इसका नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसका नाम है खुन खुन पैम। आपको इस जगह का व्यू दिखाते हैं, ये देखें, काफ़ी प्यारा व्यू है। अगर आपको अंदर लेके जाएं, ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह ये आप मेरी बैग पे देख सकते हैं, ये सब कुछ मूवी में दिखाया गया है, ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 ईयर्स ओल्ड ट्री है ये, ठीक है, ट्रिमपैड के नाम से। अगर आपको मैं इस साइड पे मूव करके दिखाऊं, तो ये देखें, काफ़ी लोग पिक्चर्स वगैरह भी बना रहे हैं। और ये हॉर्स राइडिंग वगैरह, काफ़ी कुछ जो है ना, काफ़ी प्यारी जगह है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पर भी इंसेक्ट दिखाए जाएँ, उन्होंने इसके भी स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए हैं, ये अगर आप मेरे आप पे देख सकें। और अगर हम आगे चलते हैं, काफ़ी ही प्यारी प्लेस है, खाने पीने की चीज़ें भी आपको यहाँ मिलेंगी, आपको भी दिखाते हैं। और इसके बाद ये देखें, स्टैचूज़ काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपको मूवी में भी देखने को मिलेंगे। और इस जगह के फेमस होने की जो मेन वजह है, वो मूवी ही है, वन थॉन्ग जो नई मूवी आई है, वो मूवी ही है। और उसके साथ जो है, जिस तरह आप ये देखें, ये थाई में भी आप इसका नाम वगैरह पढ़ सकते हैं, थाई में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर हम आगे अब मूव करते हैं, आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। ये देखें, अगर आप मेरे बैग पे देख सकें, काफ़ी इनके बुद्धास वगैरह, ठीक है, डिफरेंट किस्म के, आप ये देख सकते हैं सब कुछ। यहाँ से भी आपको अगला व्यू दिखाते हैं, ये आपको, ये यहाँ पर शॉप है एक, इधर से बड़े मज़े मज़े के जूस मिलते हैं। अभी ये एक प्लेस है इधर, ठीक है, इसके अंदर हम जाने लगे हैं। ये पूरा एक व्यू है, आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं यहाँ से, ये एक पूरा व्यू है, ये देखें, हॉर्स, पुराने ज़माने में जो हॉर्स राइडिंग का शौक रखते थे, उनका पूरा इन्होंने यहाँ व्यू दिखाया। जैसा कि आपको बताया, 1000 साल पुरानी जगह है ये। और अभी आपको इसके अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पर इनके रूम वगैरह भी बने हुए हैं, और काफ़ी कुछ है उसके अंदर, आपको दिखाते हैं अभी। जी व्यूअर्स, जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हम इनसाइड आए हैं, ये रूम बने हुए हैं इनके, ठीक है। अगर आपको रूम अंदर से दिखाएं, ये देखें, बड़ा ही प्यारा व्यू मिरर से, फुल इनसाइड। ये देखें, और पीपल भी आए हुए हैं। अगर आपको ये रूम थोड़ा सा सामने से दिखाया जाए, ये देखें, बेड का व्यू, और ये देखें, और बेबी। और इसी तरह हम आगे मूव करते हैं, ये देखें, बड़ा ही प्यारा जो है ना व्यू उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि 1000 साल पुरानी एक स्टोरी का व्यू है,
जिस स्टोरी से लिया गया है वो 1000 साल पुरानी है। और यहाँ पर रिसेंटली एक मूवी शूट की गई जो कि बहुत फेमस हुई यहाँ पे, वन थॉन्ग के नाम से। ये देखें, आपको इनसाइड दिखा रहे हैं इसका व्यू। ये अंदर उन्होंने एक बनाया हुआ है बड़ा प्यारा सा। ये देखें, ये पिक्चर अगर आप मूवी देखेंगे तो मूवी में भी इसी तरह के एक्टर और एक्ट्रेस के ड्रेसेस वगैरह विद सेम डिज़ाइन दिखाया गया है। ये देखें, ये उनके ड्रेसेस वगैरह मूवी में भी ये ड्रेसेस यूज़ किए गए हैं। आप अगर मूवी देखना चाहते हैं, वन थॉन्ग के नाम से है। ये देखें, ये सारे ड्रेसेस यूज़ किए गए हैं। ये इनकी थोड़ी सी प्रे की जगह है जहाँ पर अपनी प्रे वगैरह करते हैं। आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा प्रे करते हुए। और अगर आप 1000 साल पुरानी स्टोरी रियल में देखना चाहते हैं तो आप वन थॉन्ग मूवी चेक करें, मूवी देखें, आपको ये सब चीज़ें उसके अंदर दिखाई देंगी। ये देखेंगे जिस तरह अपना, जिस तरह भी जो बुद्धिस्ट इज़्म इनका है, जो इनका तरीका प्रे करने का, ये प्रे कर रहे हैं। ये देखें, बड़ा ही प्यारा व्यू। ये देखें, ये सारे ड्रेसेस तकरीबन जो हैं उसमें यूज़ किए गए हैं, ये डिफरेंट करेक्टर के साथ सब ड्रेसेस जो हैं ये यूज़ करके दिखाए गए हैं। और बकौल इनके, ये 1000 साल पहले जिनकी स्टोरी है वो इन ड्रेसेस को पसंद करते थे और पहना करते थे। ये देखें, आपको एक बाहर का व्यू दिखा देते हैं इनका। ये बिल्कुल एक लास्ट रूम है जिससे इनका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप सब देख सकते हैं। ये इन्होंने बीच में रखा हुआ है कुकिंग वगैरह, ये वो किचन टाइप बनाया हुआ है, बिल्कुल किचन टाइप किचन बना हुआ है। ये देखें, आप पढ़ सकते हैं अंदर अंदर हेडिंग भी हुई है। ये किचन का व्यू दिया हुआ है इन्होंने इसको। और अगर आपको यहीं से थोड़ा सा पूरा एक बाहर का व्यू चेक करवाया जाए तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू। कार पार्किंग, ये किचन आपको दिखाया, ये इनके प्रे की जगह है जहाँ ये अपनी प्रेयर करते हैं। ये इनका हॉल, ये बेडरूम, और ये सारा आपको एक व्यू दिखाया। अभी आपको नेक्स्ट जगह पर लेके चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं इसके अंदर, अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लेस दिखाता हूँ। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको ये बेड दिखाया था, ठीक है, ये बेड देखें, बेड के ऊपर आपको इनके कुछ सिक्के नज़र आ रहे होंगे जो कि इनकी करेंसी में हैं, 10 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा करीब से सिक्का दिखाया जाए, ये देखें, एक का सिक्का, ये 2, ठीक है, ये 5 रुपये, इनके डिफरेंट सिक्के हैं। और ये इनके तकिया टाइप जो बना हुआ है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। ये इसके पीछे इनका बिलीव है कि पुराने ज़माने में जब कोई किसी की इनकी डेथ होती थी तो ये उसको उसके मुंह में एक कॉइन डाल के उसको जो भी जलाते वगैरह जो भी जो इनका है ये करते थे। इससे इनका बिलीव ये था कि जब वो ऊपर जाएंगे तो उन हेवन में बहुत अमीर होंगे, ये इनका मानना था। और अभी भी कुछ फैमिलीज हैं लेकिन बहुत कम है आजकल, जो पुराने ज़माने की फैमिलीज हैं वो अभी भी ऐसा करती हैं लेकिन आजकल रेशो बहुत कम है, काफ़ी कम लोग ऐसा करते हैं। पुराने ज़माने में हर जिसकी भी डेथ होती थी उसके मुंह में एक सिक्का रख दिया जाता था, जिसको ये बिलीव करते हैं कि ये क़यामत वाले दिन बहुत रिच होगा। ये व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं एक रिवर भी बना हुआ है इसके अंदर, जिसके अंदर फ़िश वगैरह हैं। और ये शाम के वक्त फ़िशिंग वगैरह करके तो ये अपना खाने वगैरह का सामान भी करते हैं। ये देखिए,
अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, बड़ा ही प्यारा व्यू है रिवर का। और अगर आपको एक दफ़ा पूरी व्यू पूरा चेक करवा दूं, तो ये देखिए इन्होंने एक रैंप सा बनाया हुआ है। ये रैंप के अंदर से आके हम रिवर जाते हैं। और अगर आप, अब मैं आपको फुल व्यू दिखाने लगा हूँ इस प्लेस का, जो कि आज के व्लॉग में हमने इंट्रोड्यूस की है, जो कि 1000 साल पुरानी स्टोरी की कहानी है। और ये वन थोंग एक नई मूवी आई है थाईलैंड की, जो कि सुपर हिट हुई है यहाँ पे बहुत ही कम दिनों में। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो स्टोरी देखें। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टॉल्स भी बनाए हुए हैं विजिटर्स वगैरह के लिए, जहाँ से आप डिफरेंट इनकी यादगार शर्ट्स वगैरह और डिफरेंट प्रिंट्स के साथ आप बाय कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, बैग्स वगैरह भी, फूड वगैरह भी मिलेगा आपको, और हर किस्म का फ्रूट आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत ही आसानी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ठंडा पानी बॉटल वगैरह ये जो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर खाने के लिए मिलेगा। ये देखें, फ्रूट काफ़ी ज़्यादा है। ये अगर आपको व्यू दिखाएं, बोर्ड के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है। ये देखें, ये यहाँ पर लॉटरी सेलर, जिस तरह के थाईलैंड में लॉटरी काफ़ी फेमस है, तो ये लॉटरी सेल करते हैं, महीने में 2 दफ़ा निकलती है। और ये एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ बाहर इन्होंने साइड पे, जिसमें ये अपनी पूजा वगैरह करते हैं और प्रे वगैरह। ये देखें, ये सारा व्यू है यहाँ का, आप वो देखें, एनिमल्स वगैरह भी दिखाए गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल 1000 साल पुराने जो भी यहाँ जहाँ जो कुछ होता था वो सब यहाँ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इनका मंदिर भी बना हुआ है। ये देखें, म्यूजिशियंस भी यहाँ पर हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ये आप यहाँ शॉप भी देख सकते हैं, यहाँ पर जूस वगैरह मिलता है। इसके पीछे छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है उन्होंने। और ये इनके बुद्धास वगैरह, ये देखें डिफरेंट किस्म के इनके बुद्धास हैं जिनको ये प्रे करते हैं। ये देखें, ये इन्होंने बिल्कुल ओल्ड जिस तरह था उन्होंने वो व्यू दिखाया हुआ है। ये आप छोटा सा रूम भी देख सकते हैं, इनका मंदिर है साथ। और ये आज का हमारा व्लॉग था, जिसमें आपको मैं एक दफ़ा एंड पे प्लेस नेम दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा प्लेस नेम है होम कॉन्फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया और व्लॉग देखने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, 1000 साल पुराना ट्री है, जिसको ये लव ट्री के नाम से भी जानते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।